ऐसा कौन सा देश है जहां ट्रेन नीचे चलने की बजाय ऊपर लटक कर चलती है, और हाईवे पर ज्यादातर साइन बोर्ड हरे रंग के क्यों होते हैं? अगर आपका फोन पानी में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर वन, तो जर्मनी एक ऐसा देश है जहां ट्रेन उल्टी लटक कर चलती है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, तो दरअसल ये हैंगिंग ट्रेन है जो ऊपर लटक कर चलती हैं, और आप इसमें सफर भी कर सकते हैं। ये शहर इतना व्यस्त है कि रोड्स पर ट्रेन चलाने की जगह ही नहीं है। यही वजह है कि वहाँ के इंजीनियरों ने इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए हैंगिंग ट्रेन को शुरू करने का विचार किया था। दरअसल इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। ये बिजली से चलने वाली ट्रेन है जो लगभग 40 फीट की ऊंचाई का सफर करते हुए 13.3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नंबर टू, आखिर हाईवे पर हरे रंग के क्यों होते हैं ज्यादातर साइन बोर्ड? तो ही आपको ये पता होगा, आपने कभी तो अपनी बाइक से हाईवे पर यात्रा की होगी, तो एक बात को जरूर गौर किया होगा कि हाईवे पर रोड के ऊपर लगे हरे रंग के साइन बोर्ड को तो देखे होंगे। ये साइन बोर्ड्स का रोड पर दिखना आम बात है, क्योंकि हाईवे पर जो बोर्ड होते हैं उनका काम आगे आने वाले शहरों की दूरी और नाम बताना होता है। इसी वजह से हरे रंग के साइन बोर्ड का यूज किया जाता है। नंबर थ्री, अगर आपका फोन पानी में गिर जाए तो सबसे पहले इसे चावल के पैकेट में रख दीजिए, क्योंकि राइस पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं।